يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. हम जानते हैं कि आजकल जलसा मंडी क्या है, गौरव चंद्रशेखर के क्या आजकल जो सात फरवरी सात फरवरी 1924 को बधाई के मकाम पर अपना जरूर करते हैं, तो मौलाना मुनीर उस्मान अली खान के सरशाह के साथ में अपने तहरीर को शुरू करना चाहता हूँ। जो आप रसात के मुताबिक कहाँ के रसूल के मुताबिक लिखते हैं, हवाए यसरबी को ये ताज़ा दमी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि यसरब की हवा इस तरफ आ रही है। हवाए यसरबी गोयल गुले ताज़ा दमी नहीं जा, मानी थे ताज़ा गुलाब बपाए सरबयान उस्मान मोहम्मद आर्मी नहीं जा, अपना सर उनके कदमों में रहते हैं उस्मान मोहम्मद इस जगह तशरीफ लाए। जहे ताला जहे ताले जमा सामा चुनी इसमें, तो ऐसा जो भी सामान है अपना सरमाया कर हर चीज़ उनके कदमों में डालते हैं। ज़फ़र की जान शरफ की जान निशान की जान वही की जान, जो तमाम चीज़ें तेरी कामयाबी तेरी राह हर चीज़ के रोज के खत्म में सिमट रहे हैं। सितारे फलक के बाहों में गुबारे नूर है फैला हुआ फिजाओं में, एक उस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अदल से मोहतर खड़ी लगा। मौलाना साहब लिखते हैं कि मस्कन ये कि शहनशाह है अदल सखा का है, हर फर्द अब यहाँ का ना शेरवा सा है, हर फर्द यहाँ का हाकिम और शेरवा सा है, फिर दोस्त को भी रश का हैदर के शहर से यहाँ फातिमा का राज नजर बुलाकर। तो हजरा इस तरह हम जानते हैं कि इस तरह मैंने आपके सामने आया तिलावत की कि या अय्युहल लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी फसौफ़ा युअद्दिबुहू, यानी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन में इर्तिदाद फैल जाएगा, अन दीनी फसौफ़ा युअद्दिबुहू, उस वक्त चूँकि खुदा की यह सुन्नत है कि जब कभी भी दीन में इंतदाद आता है यानी दुनिया में बदम बेहद फैल जाती है, तब अल्लाह ताला एक पैगंबर एक नबी या फिर अपने एक पैगाम पहुंचाने वाले को दुनिया में भेजकर उस बदमनी को उस खराबी को दूर करता है। इस तरह हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रिसालत से पहले जब लोगों के अंदर बेहुदापन और बदगुमानी फैल गई थी, तो अम्बिया वक्तन फवक्तन एक अम्बिया को भेजने गया ताकि उसकी नशोनुमा हो, ताकि दीन इस्लाम की नशोनुमा किया जाए। तमाम अम्बिया है आखिर जब तमाम अम्बिया से वो काम तकमील सरदार लिखते हैं, जब तमाम अम्बिया से वो काम तकमील ना पाया तब अल्लाह ताला ने अपने जात के बदल आता है नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा ताकि मुकम्मल तौर पर से बदगुमानी को दूर कर दिया जाए। आपके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अरब के सरजमीन पर, जिस तरह हम देखते हैं कि अरब इंतहाई जहालत का अरब में इंतहाई जहालत पाई जाती थी, तमाम दूसरी जगह के से बढ़कर तमाम दूसरी जगह पर अगर हम मद्देनजर रखें तो अरब में सबसे ज्यादा जहालत पाई जाती थी। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दो जगह का मालिक सरवर कौन है अरब के सरजमीन पर दायर होगा, मगर अल्लाह ताला ने एक ऐसे जगह से आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज किया। अल्लाह ताला लिखते हैं कि एक मामूली बीज की तरह बेल की तरह जब बेल उठती है दरख्त के सामने तो इंसान उसको तोड़ के रख देता है उंगलियों से, मगर वही बेल जब दरख्त को लपट लेती है तो अपनी जब अपने मर्जी के मुताबिक उसको मोड़ना चाहती है, जब उन्हें उसके मर्जी के मुताबिक नहीं मोड़ता तो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता के सुखा के रख देती। तो उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मकाम से उठे जहाँ पर बज़ाहिर तमाम जहालत पड़ी हुई थी, मगर आप वहाँ से उठकर तमाम जहालत को दूर करके जहाँ पर लोग जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे उन्हीं लोगों को अस्सलाम पर लिखते हैं खैरी अर्श मौला के मोहम्मद के साथ कुबकर और उमर और उस्मान बिलाल अच्छा बल्कि सूरत में सिदरा में सहाबा साहब जाब जिब्रील के पर जब देखा तो इंशाल्लाह वही सहाबा का नाम को वही लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से वो बदगुमानियों को दूर करके अर्श आलम के लिए सैर कराई। उसी तरह हम उसके बाद देखते हैं कि जब आपके बाद शहादत के जमाने के बाद फैजा वक्त का जमाना आया रसूलुल्लाह फरमाते हैं अस्सलाम याद इस्लाम में लिखते हैं कि नहीं सब इन्हीं बलस तो मिलूँ मैं उनसे नहीं रहूँगा वो उनसे नहीं रहेंगे। कामिल तौर पर जिस तरह फल बीज की मिसाल फल से होती है, दरख डाली पत्ते ये सब जितनी ताकत रखते हैं अपने अंदर, तो तमाम ये जो बदगुमानी थी वो दूर नहीं कर सके लोग और क्या है ग्राम वक्तर बवक्तर जहालत को दूर करें, मगर चूंकि इंतहाई जहालत यहाँ पर पड़ चुकी थी और रसूलुल्लाह
आपकी तमन्ना को पूरा करने के लिए, चूंकि जब एक पनाह के रसूल तमन्ना करता है तो अल्लाह तमन्ना को पूरा करने के लिए मा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह के तहत वो बंदे की जो मर्जी होती है वही खुदा की मर्जी होती है। तो अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन तमन्ना को पूरा करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले नूरजहां पहले बाबर आया, उसके बाद अकबर जीने का ही तदवीन करता है ताकि लोगों के अंदर लोग मिलजुल कर रहे, चलते चलते 1924 में ऐसा इत्तेदाद का जमाना आया, यानी ऐसा जमाना आया उस्मानिया सल्तनत का पामाल हो गई, क्योंकि जो हुकूमत थी बड़े बड़े इस्लामी सल्तनतें पामाल हो गई, मुसलमान हर तरफ से एक लोगों के दार में रखा हुआ था, हर तरफ से मुसलमानों को घेर कर मार देने का लोग अपने जहनों में इस तरह बांध लिए थे। अल्लाह फरमाते बा जो लोग नमाज जनाजा पढ़ लिया मुसलमानों का, तो इनके हर तरफ से लोग सोचते थे कि आज हम पामाल हो गए, मुसलमानों को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता मुसलमानों की, क्योंकि हर तरफ से लोग इस्लाम को डुबाने के लिए चले थे। और जो तमन्ना है जो यहाँ पर कलमों की सूरत में तमन्ना काम करे थे 1924 में आ गया, लोग ये भी लोग के अंदर जहन में हिंदुओं के बात आते, देखो वो जो है किसी तुम मना रहे मुसलमान से ज्यादा तुम जिसकी अकीदत में मना रहे वो तो मुसलमान के ना, मोहम्मद रसूल अल्लाह के नवासे हो तो इस्लाम के, तुम तो इतनी अकीदत से मना रहे मुसलमानों को मनाना चाहिए। तो लोगों के दिलों में उसका नूर कम होता गया, अस्सलाम वाला समाती है कम होना जरूरी भी था, क्योंकि जिसकी तमन्ना थी वो वजूद को ही हमें आना था ताकि अपनी तमन्ना को पूरा करे। अस्सलाम वाला अपने अशआर में लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहां पर तबलीग इस्लाम के हवाले थे, तो आपके वजूद को यहां पे आना जरूरी था। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की रूह बशक्ल जिंदा तर्जुमान जिस्म अख्तियार कर चुकी है, अब इसका काम यह है चूंकि हिंदुस्तान में हर जगह उस रसूलुल्लाह के वजूद को आपको मक्का मदीना गिराना पड़ेगा, ओम का झंडा लगाना पड़ेगा, ऐसे नारे लगते थे और मुसलमानों को हर तरह से पामाल किया जा रहा था, काटने मारने के मुसलमानों को लोग अपने जहन में इस तरह बांध गए थे। और अल्लाह फरमाते हैं कि कोई किसी के जहन में ये मौजूद नहीं था कि हम वो काम कर सकते, अरे बंदा नमाज का काम, अरे इतने बड़े मदीन का हम ना काम कर सकते, अपने आप को हमदर हकीम समझ लिया। सब प्यारा नशात रखना में लिखते हैं कि हर मुसलमान की जो सिर्फ हुकूमत की है क्या फकीरी की भी दुनिया में हमेशा अल्लाह जात अहमद तो फकीरी को सिखाने आए जिसकी कुवत से हलाक हो गया कसर मिश्रा। हर जमाने में फकीरी से मजाक होता है, क्या फकीरी है किसी बात की मुरी चुड़िया कौम और मुल्क की खिदमत में मरे जाते हैं, क्या इन्हीं का मैं कुफार करूंगा बनता कौम और मुल्क की खिदमत में किसी का मरना दूसरे लिए लाने की मौत है पेश करें अपने, तो वकील के जो हाथ के नीचे मुंशी होता है वो मुंशी का साहब लाल गवर्नमेंट जॉब नहीं
वो रूहानी
जमाने में भी 1400 साल के बाद इस आयत को जाहिर होना था, तो आपका वकील चूंकि आपके मुताले चार हुकूमतें करी, कई हुकूमत आपके मकानी करे, लोग आपके मकानी पे रस्ता प्राप्त फरमाते, सबसे पहले मुझे ब्रिटिश ने बनाया भाई, सबसे पहले ही गया हिंद से नाबूदों का लाके अंतरा मुझे सूदी दी सदा वालों ने, मुझको क्या मानना था आपको दीता मरने वाला, कई हुकूमतें आपको मारने के लिए आपको पामाल करने के लिए कई दमे